नालागढ़ में बच्चों को नौकरी दिलाने की एवज में करोड़ों की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार सुरेश कुमार ने नालागढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई कि चंद्रशेखर व रोहित द्वारा उनके बच्चों को सरकारी नौकरी दिलाने की एवज में गलत व गैर कानूनी तरीके व बदनीति के चलते धोखाधड़ी करके जनवरी 2018 में चंद्रशेखर ने इसे अपने घर बुलाया था तथा इसके भोलेपन का नाजायज फायदा उठाकर गुमराह करके यह कहकर सांचे में ले लिया कि यह इसके लड़के व लड़कियों को अच्छी नौकरी दिलवा देगा और इनसे तकरीबन 10 लाख रुपए लिए। परंतु आज दिन तक इन लोगों ने ना तो इनके किसी बच्चे को नौकरी दिलवाई और न ही पैसा वापस किया। शिकायत के आधार पर पुलिस थाना नालागढ़ ने मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की पुष्टि करते हुए SHO नालागढ़ राजकुमार ने बताया कि अगस्त 2019 में थाना नालागढ़ में धोखाधड़ी की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। या दोस्ती भी समझ लो या रिश्तेदारी भी है, उसके साथ मेरे आना जाना था, उनका मेरे घर में उनके घर आता जाता था। जनवरी 2018 में उसने मेरे को अपने घर पे बुलाया और मेरे को कहा कि भाई जी मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो पैसे तो लेता है लेकिन काम करवा देगा। मैंने पूछा कि कौन से काम में पैसे लेता है और कैसे करवाता है, तो उसने बोला कि प्लानिंग बोर्ड के तहत कुछ नौकरियां हैं, तो अगर आप अपने बच्चों को अच्छी नौकरी पे लगाना चाहते हो तो पैसे का इंतजाम करो। फिर मैंने उसको पूछा कि ऐसा कोई बंदा आपके उदाहरण के तौर पर है जो किसी ने ऐसे किया हो, तो उसने बोला कि मैं और मेरी वाइफ जिसका नाम गीता देवी है, फिर मैंने बीच अपना भी और 4 लाख रुपया दिया, गीता का भी 4 लाख रुपया दिया। मैं हिमाचल कोऑपरेटिव सोसाइटी में एज एसिस्टेंट मैनेजर लगा हूँ, तो हम इनके झांसे में आ गए सर। तो उसके बाद हमने भी चलो सोचा भी अपने बच्चों के भविष्य के बारे में, हमने भी इधर उधर से पैसे को इकट्ठे किए, कुछ कैसे करके इनको पैसे दे दिए सर। फिर इसने मेरे को बोला कि आप अपनी बेटी का भी करवा लो, फिर मैंने बेटी का भी सर इधर उधर से करके हमने वो भी करवा दिया। फिर उन्होंने जब 3 महीने का टाइम दिया था हमारे को, फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 महीने में जो है एडजस्टमेंट करवा देते हैं। फिर मैंने इनको पूछा कि कौन बंदा है जो आपके ऐसे एडजस्टमेंट करता है, तो इन्होंने एक रोहित कास्टर नाम का बंदा बताया था और उसके बाप का नाम बताया था सुभाष कास्टर, जो कि राज्यसभा के उच्च अधिकारी बताते हैं ये हमारे को, राज्यसभा का उच्च अधिकारी है और इनकी जान पहचान जो है वो ऊपर तक है। और ये जो आप करो, मैं आपका गारंटी लेता हूँ कि अगर आपका काम नहीं होगा तो हम पैसे वापस करवा देंगे। फिर इसने बाद में हमारे को बोला कि जी कुछ सीटें और खाली है, रिजल्ट तो सभी का इकट्ठा होगा, अगर आपके कोई रिश्तेदार कोई यार दोस्त है तो अगर वो करवाना चाहते हैं तो करवा लो। तो कुछ बंदे इन्होंने और भी करवा दिए हमारे से, मैंने इनके पास से इनके जान पहचान करवा दिए, भाई अगर देख लो किसी ने करवाना तो करवा रहे। उसके बाद जब अब हमारे को डाउट हुआ कि ये काम नहीं करवा रहे हैं, 1.5 साल बीत गया हमारे साथ, तो हमने इनसे पैसे वापस मांगे, तो 6 महीने से हम इनसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पैसे जो है हमारे को वापस दिलाए। तो हमारे को ये बार बार बोलते हैं कि बस आपके अकाउंट में आ जाएगा, हमारे से अकाउंट नंबर ले लिया, सब कुछ ले लिया, लेकिन हमारे को कोई पैसा वापस नहीं दे रहे हैं, ना हमारा कोई काम करवा रहे हैं ना वापस पैसा दे रहे हैं। कितने पैसे? मेरा 10 लाख रुपया है। और ऐसे ही अब पहले तो हमारे को नहीं पता था, लेकिन अब हमारे को पता चला कि यहाँ BBNDA से ज़्यादा नहीं तो 100-150 बंदा इन्होंने ऐसे ही मेरे जैसी मेरी तरह इनके गलती का शिकार, ठगी का शिकार हो चुके हैं। इन्होंने धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा लोगों के साथ की हुई है और मेरा आइडिया है भी यहाँ से ज़्यादा नहीं तो 5-6 करोड़ रुपये का इन्होंने घबरा यहाँ से कर रखा है। थाना पर जो है दिनांक 31/8/2019 को अभियोग सुरेश कुमार पुत्र बालक राम की शिकायत पर जो थाने में पंजीकृत हुआ है, जिसने बतलाया कि इसके साथ जो है वर्ष 2018 में रोहित कास्टर और चंद्रशेखर नाम के दो व्यक्तियों ने जो है 10 लाख रुपए लेकर इसके बच्चों को नौकरी लगाने की एवज में जो है 10 लाख रुपए जो है से हड़प लिए और उसी आधार पर जो है रिकॉर्ड कब्जा में लेकर जो है आरोपी चंद्रशेखर और आरोपी गगनदीप को जो है इसमें गिरफ्तार किए गए। और भी बहुत से लोगों के साथ जो है धोखाधड़ी के लोगों के बयान हमने कलमबद्ध किए हैं, तो ये जो है इन्होंने घोटाला ये ठगी जो है करोड़ों रुपए में की। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए नालागढ़ से सुरेंद्र सिंह सोनी की रिपोर्ट।